आज के इस नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज भी मैं पिछले वीडियोस की तरह एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे भारत के द्वीप समूह अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले वो बेहद खतरनाक सांप जिन्हें कांटेदार सांप के नाम से जाना जाता है। इस सांप को अंडमान पिट वाइपर भी कहा जाता है। इस सांप को कांटेदार सांप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी त्वचा कांटेदार होती है, इसीलिए इस सांप को कांटेदार कहा जाता है। अगर हम इस सांप की लंबाई के बारे में बात करेंगे तो इस सांप की लंबाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक का होता है। अगर हम इस सांप की भोजन के बारे में बात करें तो यह सांप खाता क्या है, यह सांप अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है, तो यह सांप चूहे, अंडे, मेंढक ये सभी चीजें खा करके अपनी जिंदगी जीता है। अगर बात करें हम लोग इस सांप के जहर के बारे में तो यह सांप काटते टाइम हेमोटॉक्सिक जहर को बॉडी में रिलीज करता है, मतलब इस सांप का जहर जो होता है वह होता है हेमोटॉक्सिक। इस सांप के काटने से बॉडी के अलग अलग हिस्से से ब्लड का बहाव यानी रक्त का बहाव शुरू हो जाता है और अंततः मनुष्य की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना हो पाए तो। इसीलिए अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले ये सांप काफी खतरनाक माना जाता है। हालांकि पिट वाइपर का कई प्रजातियां हैं, इनमें से यह एक प्रजाति है और एक प्रजाति के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, तो यह प्रजाति भी काफी खतरनाक होता है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। सांप का जहर एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ज्यादातर प्रजातियों में अद्वितीय होता है। अगर सांप का जहर हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में प्रत्यक्ष रूप से बॉडी में आ जाए तो उस व्यक्ति का मृत्यु हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उस जहर को प्रोटीन में परिवर्तित कर कई प्रकार की दवाइयां विकसित की है जो बीमारियों को खत्म करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यह था अंडमान पिट वाइपर के बारे में कुछ बेहतरीन फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर बेहतरीन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ, अगर आपको कुछ सवाल करना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी सांप के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस सांप के बारे में आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन फराहम करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस सांप के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं।